दोस्तों आप लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टार्जन द वंडर कार तो देखी होगी। इस फिल्म को कार के ऊपर बनाया गया जिसमें अपने मालिक की आत्मा घुस जाती है और उस वक्त इस फिल्म की कहानी अलग होने की वजह से इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म में अजय देवगन लीड रोल निभाते हुए नजर आए। वही टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाने वाले अभिनेता को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के जरिए वो भी फेमस हो गए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इस फिल्म में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाने वाले अभिनेता आज कहाँ है, क्या करते, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे और साथ ही इस सुपर फिल्म के लिए लाइक तो कर ही दे। दोस्तों टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम वत्सल सेठ है। इनका जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई में हुआ। इनका परिवार हमेशा से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा रहा जिसकी वजह से इन्होंने अपना करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश की और फिल्म जस्ट मोहब्बत से इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम भी रखा। लेकिन इनको कुछ खास पसंद नहीं किया गया जिसके बाद इनको बॉलीवुड फिल्म टार्जन द वंडर कार में देखा गया जिसमें ये अजय देवगन के बेटे और आयशा टकिया के अपोजिट नजर आए। हम आपको बता दें कि फिल्म में आयशा टकिया और वत्सल सेठ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी फिल्म के जरिए इनको खास पहचान मिली। आज भी दर्शक इनको इसी फिल्म के जरिए जानते हैं। इस फिल्म के बाद इनको पेइंग गेस्ट, तो बात पक्की और हॉस्टल जैसी और भी कई फिल्मों में देखा गया लेकिन इनको वो पहचान नहीं मिल पाई जिनको टार्जन द वंडर कार में हासिल हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने अपना रुख छोटे पर्दे की ओर कर लिया जहां इनको पहली बार टीवी सीरियल एक हसीना थी में देखा गया। इसके अलावा कौन है में भी ये नजर आए। पिछले कुछ सालों से वत्सल सेठ पहले से ज्यादा बदल चुके हैं और पहले से ज्यादा हैंडसम भी नजर आते हैं जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। आज भी इन पर लाखों लड़कियां फिदा है लेकिन बात अगर इनकी रियल लाइफ पत्नी की जाए तो इनकी रियल लाइफ पत्नी का नाम इशिता दत्ता है। इनसे इन्होंने 2017 में शादी की। फिलहाल ये दोनों कपल अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को वत्सल सेठ का अभिनय फिल्म टार्जन द वंडर कार में कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।